आज हम लोग क्लास 10 में जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 3। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वेल है, तो जो वेल होगी वो किस फॉर्म में होगी? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अगर ये वेल गिवन है और इसकी जो ये वेल है इसकी जो डेप्थ गिवन है वो 20 मीटर है। डेप्थ मीन्स यहां से लेकर के यहां तक की ये इसकी डेप्थ हुई, और डेप्थ मीन्स क्या हुआ, एक तरीके से इसकी हाइट गिवन है, ठीक है। तो 20 मीटर This is 20 meter depth, और ये height हम लोग कह सकते हैं, depth means height, diameter इसका given है 7 meter, ये 7 meter given है, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform, यानी कि इसमें से जो है इसको इसमें से क्या होगा, earth की digging की जाती है, means इसमें से जो है soil को निकाला जाता है, खुदाई करी गई, इसमें से सॉइल को निकाला गया, ठीक है। और जो इसमें से सॉइल निकली उसी को ही स्प्रेड करके, इवनली स्प्रेड करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर ये हम लोग इस टाइप का अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो देखिए इसमें से जो सॉइल निकली है यानी कि इस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ओके। तो जो और ये जो सॉइल है इसी को ही इसमें स्प्रेड किया गया है, इवनली स्प्रेड किया गया है और एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब क्या है कि जो कि उसमें कुछ हाइट भी होगी, लेंथ और ब्रेथ तो गिवन है, यानी कि अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट है मींस वो क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कुछ हाइट होगी तो कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म होगा, इवनली स्प्रेड करके इस टाइप का प्लेटफॉर्म होगा। तो जिसकी लेंथ गिवन है 22 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर, ये हाइट हम लोग को फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी, मतलब कितना ऊंचा है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसके अंदर जो वॉल्यूम था, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सोयल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस वेल, और वेल किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोयल इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसी सॉइल को ही निकाल करके इससे ये प्लेटफॉर्म फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ओके, क्लियर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाइट को हम लोग डेप्थ लिखें चाहे हम हाइट लिखें, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 20 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो डायमीटर गिवन है 7 मीटर। देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 7/2 मीटर, ओके। तो अब हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म बना है इसकी लेंथ और विड्थ लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म is equal to 22 meter, then width of the platform this is equal to 14 meter, and height of the platform is equal to h meter,
इसको हम लोगों ने स्मॉल एच एज्यूम कर लिया. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म. ओके, और प्लेटफॉर्म किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, वेल जो है किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में है. तो यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि कैपिटल एच हम लोग एज्यूम करके चले हैं. ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच. ओके, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 20. दिस वैल्यू इज इक्वल टू एल, एल इज 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय एच. ओके, जब एच हम लोग फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ये यहाँ पे डिविजन में चली जाएगी. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि एच की वैल्यू अब हम लोग निकाल रहे हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये वैल्यू यहाँ पे डिविजन में आ जाएगी. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 14. क्लियर, तो 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से ये 14 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, ये 10 बार चला गया, फिर 2 से इस 5 को कट करेंगे तो 5 टाइम्स, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई, 5/2. ओके, 5/2 इट मीन्स 2.5 मीटर. सो दिस इज द आंसर, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. यानी कि क्या किया गया है कि एक वेल है, वेल गिवन है, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी. ओके, तो ये एक वेल गिवन है, इसमें से क्या किया जाता है, सॉइल को निकाला गया. ओके, इसमें से सॉइल को निकाला गया और उसके बाद देखिए जो वेल है उसका कुछ पोर्शन अर्थ के ऊपर होगा और कुछ पोर्शन अर्थ के नीचे होगा, यानी कि उतनी गहराई होगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसकी जो डायमीटर गिवन है वो 3 मीटर है और जो इसकी डेप्थ है वो कितनी गिवन है, ये 40 मीटर गिवन है. ठीक है, तो ये जो डेप्थ है वो कुछ तो अर्थ के ऊपर होगी और कुछ जो है अर्थ के नीचे होगी, राइट. तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये अर्थ गिवन है, इतनी ये अर्थ के नीचे है, उसमें से सॉइल को निकाला गया और उसके बाद इसी के चारों तरफ एम्बैंकमेंट सर्कुलर रिंग में एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया. एम्बैंकमेंट मीन्स क्या हुआ, एक चबूतरा बनाया गया है, मिट्टी का चबूतरा बनाया गया है. ठीक है, तो इसके जब चारों तरफ इस तरीके से एक एम्बैंकमेंट बनाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है ना, इतनी जो ऊंचाई है इसकी चबूतरे की, ये हम लोग को निकालनी है कि इसकी जो हाइट है ये कितनी है. ओके, और जो ये सर्कुलर रिंग बनाई गई, यानी कि जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, उसकी विड्थ कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है इसकी एम्बैंकमेंट की, एक यहाँ से जो विड्थ है वो दे रखी है 4 मीटर की. ओके, तो देखिए जो ये एम्बैंकमेंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, वो एक सर्कुलर है ना रिंग, तो इस टाइप से है ना, ये है और ये, यानी कि ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हुई, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हुई. ये जो रेडियस है वो कितनी है, 3/2 की है. डायमीटर यहाँ पे 3 मीटर की बन है, यानी कि रेडियस 3/2 की होगी. ठीक है, और इसमें से जो सॉइल निकाला गया है, यानी कि जो सॉइल का वॉल्यूम है वो इस पूरे वेल के वॉल्यूम के इक्वल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यही जो सॉइल निकाली गई है उसी से ही ये एक एम्बैंकमेंट फॉर्म हुआ है, यानी कि उसी का ही वॉल्यूम, उसी सॉइल का वॉल्यूम इस वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल होगा. क्लियर,
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इसको हम लोग स्मॉल आर मान के चलते हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3/2 मीटर। देन यहाँ पे देखिए इसकी डेप्थ गिवन है, वेल की डेप्थ गिवन है, मीन्स वो हाइट के इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो इसको हम लोग कैपिटल एच एज्यूम करके चलते हैं, तो 14 मीटर हो गई इसकी हाइट। उसके बाद क्या गिवन है? विड्थ, विड्थ ऑफ एन एम्बैंकमेंट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, जो विड्थ इसकी गिवन है वो 4 मीटर गिवन है। उसके बाद देखिए ये एक सर्कुलर रिंग बन रही है, ठीक है? तो अगर हम इस सर्कुलर रिंग की बात करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए इसकी 3/2 और प्लस दिस 4 मीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ एन एम्बैंकमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3/2 और प्लस दिस विड्थ यानी कि 4 मीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 8 यानी कि 11/2 मीटर। ये हो गई इसकी ये कैपिटल आर हो गई। ओके, नाउ लेट हाइट ऑफ एन एम्बैंकमेंट, हम लोग मान लेते हैं कि ये स्मॉल एच है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं पाई और आर, यहाँ पे स्मॉल आर लेके चले, स्मॉल आर स्क्वायर और एच कैपिटल एच है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो फॉर्म हो रहा है वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही, सिलेंडर ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो जब हम इसकी पहले तो पाई रख लिया और जब हम लोग इसकी निकाल इसका वॉल्यूम निकालेंगे, देखिए जो सॉइल है उसको जो है स्प्रेड किया गया है इस सर्कुलर रिंग में, यानी कि यहाँ पे जो है सॉइल को तो नहीं डाला जाएगा ये, क्योंकि ये वेल है, तो यहाँ से यहाँ पे हमें ये वाली रेडियस नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि सॉइल को जितना भी निकाला गया वो सब इसके चारों तरफ यहाँ पे डाला गया, यानी कि अगर हम जैसे ये ऊपर की साइड से देखेंगे तो ये मान लीजिए वेल वाली है, ये वेल का ऊपर का पोर्शन में बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर इस तरीके से है तो जो सॉइल निकली है उसको हम इस पोर्शन में डाल रहे हैं, यहाँ पे नहीं डाली जा रही है। तो मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोग को नहीं चाहिए, यानी कि अगर हम इस वाले में से, इस वाली रेडियस यानी कि जो कैपिटल आर है इसमें से क्या करेंगे, इस 3/2 को, स्मॉल आर को हमें माइनस करना है क्योंकि ये पोर्शन हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, ठीक है? इस आर में से हम लोग को क्या करना है, ये माइनस कर देना है, तो क्या निकल आएगा? ये वाला पोर्शन निकल आएगा, ठीक है? तो आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और एच क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना गिवेन था? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कितना था? 11/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पाई और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मीन 3/2 का होल स्क्वायर, ओके, और मल्टीप्लाई बाय एच। अब देखिए पाई पाई यहाँ पे दोनों ही साइड में है तो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ओके, और 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 7 बार, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इधर की साइड सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 अपॉन 4 माइनस 9/4,
मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एच। और जब हम लोग को एच की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो 4 अपॉन 112, तो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, और यहाँ पे 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं 56, तो 7 8 56, तो यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 9/8। ओके, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.125 मीटर। ओके, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 1.125 मीटर, और यू कैन राइट 9/8 मीटर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।